बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज इस वीडियो में हम लीनियर अल्जब्रा के टॉपिक नल स्पेस एंड कॉलम स्पेस डिस्कस करेंगे देन लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ अ नल स्पेस द नल स्पेस ऑफ एन एम इनटू एन मैट्रिक्स ए रिटर्न एज नल इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजीनियस ए एक्स इक्वल टू जीरो नल ए को uh, किस तरह सेट uh, नोटेशन में लिखा जाता है एक्स सच डेट एक्स इज़ इन आर एन एंड ए एक्स इज इक्वल ज़ीरो नल स्पेस एक मैट्रिक्स ए का uh, उसको नल स्पेस कहेंगे जब एक मैट्रिक्स एक दूसरे मैट्रिक्स को या वेक्टर को ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट ज़ीरो जीरो आ जाए यानी ट्रिवियल सोलूशन बन जाए तो ऐसे केस में ये जो हमारे पास x है x जो है ऐसे केस में वो उसका आ, कहा जाएगा कि बिलोंग टू नल स्पेस इसको एग्जाम्पल से भी समझ लें यानी ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A है एंड लेट u ये दूसरा हमें दिया हुआ है डिटर्मिन इफ़ U बिलोंग्स टू द नल स्पेस यानी u जो है वो A के स्पेस को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है ए और यू को हम मल्टीप्लाई करें अगर रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो 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 आ गया तो यू जो मैट्रिक्स है वो ए के नल स्पेस को बिलोंग करेगा नहीं अगर हम ए यू इसका फाइंड करें तो मल्टीप्लीकेशन सिंपल करनी है फाइव नाइन एंड वन इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फाइव थ्री एन माइनस टू से ऐसे इसकी मल्टीप्लीकेशन यानी फाइव वन हज़ार फाइव माइनस थ्री थ्री हज़ार नाइन माइनस माइनस प्लस टू टू ज़ार फोर माइनस ट्वेंटी फाइव थ्री नाइन ज़ार ट्वेंटी सेवन माइनस टू नाउ द रिजल्ट इज जीरो अब चूंकि सोल्यूशन जीरो जीरो आ गया इसका मतलब है यू इज इन नल ए यानी वो तमाम वैक्टर्स जिनको हम ए के साथ मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट जो है वो जीरो जीरो आ जाए ऐसे वैक्टर्स जो है वो नल ए के मेंबर्स होंगे अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट तो, रिज़ल्ट भी डिस्कस करूंगी। यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है टू रोज़ एंड थ्री कॉलम्स और जो यू है उसका ऑर्डर है थ्री रोज़ एंड वन कॉलम ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन में हमें ये रिजल्ट याद है कि मल्टीप्लीकेशन का पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो सेकेंड के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल तो ऐसे केस में इसकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल होती है अब देखेंगे जब हमने इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है तो जो रिज़ल्ट आया है वो ऑब्वियसली जो मैट्रिक्स रिज़ल्ट देता है वो जो यानी इसके टू रोज और वन कॉलम यानी ये टू इन टू वन यानी मल्टीप्लीकेशन जब पॉसिबल कब होती है पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे के रो की तादाद इक्वल हो और मल्टीप्लाई होकर जो रिज़ल्ट आता है जो मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर होता है पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम तो हमारे पास यहाँ पर आ, ये जो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब ये ए के कॉलम्स के इक्वल दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ इट मीन्स कि ये जो यू है हमारे पास ये यू जो है वो यू इज़ इन आर एन यानी यहाँ पर यू इज इन आर थ्री यानी यू जो है वो आर थ्री का हो लेकिन जब हमने इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है तो वो रिजल्ट चूंकि जीरो जीरो आ गया है इसलिए u इज इन नल a तो यहां पर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम बताना चाह रहे हैं इंपॉर्टेंट है द नल स्पेस ऑफ एन एम इन एन मैट्रिक्स सब स्पेस ऑफ आर एन यानी जितने कॉलम्स हैं एक मैट्रिक्स के तो उसके ही आर एन का सब स्पेस होगा जो नल स्पेस है यानी यहां पर हमारे पास ये यू जो है वो नल स्पेस को बिलोंग करता है और अब नल स्पेस में इसमें एलिमेंट्स uh, किस तरह के हैं ये किसको नल स्पेस आगे यानी उसकी फॉर्म क्या है वो आर थ्री है तो यहाँ पर चूंकि जनरल फॉर्म में एन हमारे पास कॉलम है इसलिए आर एन को वो बिलोंग कर रहा है नाउ द कॉलम स्पेस द कॉलम स्पेस ऑफ एन एम इन टू एन मैट्रिक्स ए रिटर्न एज कॉलम ए इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कंबिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए कॉलम ए इज इक्वल बी एंड बी इज इक्वल ए एक्स फॉर सम एक्स इन आर एन अब यानी यहाँ पर कॉलम ए के जो लिनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके इसको हम कॉलम ए यानी कह लें कि ए uh, का के मैट्रिसेस का सॉल्यूशन जो जीरो 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 ना आए ज़ीरो ज़ीरो के अलावा जो सॉल्यूशन बनता हो उ, उस आ, को हम कॉलम ए कहेंगे अब इसको एग्जांपल से हम समझ लें यहाँ पर है कि फाइंड मैट्रिक्स ए सर दैट डब्ल्यू इज़ इक्वल कॉलम ए यानी कॉलम ए के, a a, a, के आ, जो मैट्रिसेस हैं वो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो एक अहम रिजल्ट हम मैट्रिसेस के बारे में जानते हैं कि जब दो यानी दो या दो से ज़्यादा सम की फॉर्म में लिखा हो मैट्रिसेस को तो उनको हम अलग अलग जो है वो कर सकते हैं यानी W हमारे पास इसको अगर हम अलग अलग फॉर्म में लिखें तो ये आ जाता है सिक्स ए एन माइनस सेवन ए प्लस और माइनस बी बी एंड ज़ीरो तो इनमें से ए कॉमन ले लें सो सिक्स वन एंड माइनस सेवन और इधर से हम बी अगर ले लें देन वी हैव माइनस वन वन एंड ज़ीरो तो यानी ये स्पैन बन रहा है सिक्स वन एंड माइनस सेवन और माइनस वन वन एंड ज़ीरो का इट मीन्स जो मैट्रिक्स ए हमने इसमें से फाइंड करना था उसका ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है सिक्स वन माइनस सेवन माइनस वन वन एंड जीरो अब ये हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड के इफ द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज ए सब स्पेस ऑफ आर के व्हाट इज के यानी ऐसे जब कॉलम स्पेस के लिहाज से हमने आर के की वैल्यू फाइंड करनी है और इसी तरह नल स्पेस ऑफ ए इज़ अ सब स्पेस ऑफ आर के वट इज़ के के की वैल्यू हमने नल स्पेस में भी फाइंड करनी है K की uh, के की वैल्यू हमने कॉलम स्पेस के हिसाब से भी फाइंड करनी है अब सबसे पहले हम अगर ये कॉलम स्पेस को डिस्कस करें तो ए के कॉलम्स की एंट्रीज एक दो तीन बनते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो है ये आर के है यानी कि थ्री आ जाएगा तो कॉलम इज़ सब स्पेस ऑफ आर के यानी ए के लिए जो सोलूशन है वो यहाँ पर आ जाती है वैल्यू के इज इक्वल थ्री क्योंकि कॉलम की एक दो और तीन एंट्रीज है और इसी तरह नल स्पेस नल स्पेस क्या है कि हमने यानी वो कौन कितनी वैल्यूज़ का मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो ज़ीरो आए तो अब चूंकि यहाँ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक दो तीन और एक चार यानी चार हमारे पास है, जो हैं कॉलम्स हैं इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर जो कॉलम में चार रोज़ होंगी तो यहाँ पर ये यह हमारे पास मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब बी में हमारे पास के इज़ इक्वल फोर फोर डायमेंशनल का ही नल स्पेस होगा ए का तो जो है ये मल्टीप्लाई होकर इसकी वैल्यू जो है वो जीरो आएगी अब ये एक और एग्जाम्पल अगर हम देख लें यहां पर है कि विद ए एज इन द अबव एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के मुताबिक यानी जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है फाइंड अ नॉन जीरो वेक्टर इन कॉलम ए एंड अ नॉन जीरो वेक्टर इन नल ए अब नॉन जीरो वेक्टर इन कॉलम ए हमने जो है वो फाइंड करना है तो जो ए के कॉलम्स हैं यानी टू माइनस टू एंड थ्री इनको अगर हम ऐड कर लें तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट जो है वो थ्री आ जाता है इसी तरह इसको अगर हम जमा कर लें तो फोर माइनस फाइव एंड सेवन इनको अगर हम प्लस करें तो ये भी नॉन ज़ीरो ही बनता है माइनस टू सेवन एंड माइनस एट इनको अगर प्लस किया जाए तो ये भी माइनस थ्री यानी कि एक नॉन जीरो वैल्यू ही बन रही है इसी तरह इनको भी प्लस किया जाए तो नॉन ज़ीरो वैल्यू ही बन रही है तो कॉलम ए में यानी ए के कॉलम्स में कोई भी नॉन ज़ीरो वैक्टर हम ले लें तो ये उसका सोल्यूशन हो जाएगा और तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एनी कॉलम ऑफ ए इज नॉन जीरो क्योंकि उनके लिनियर कम्बिनेशन जो है वो जीरो नहीं आया अब नल ए को के लिए नॉन जीरो यानि वो हमने मैट्रिक्स uh, बताना है जो ए uh, के साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट जीरो जीरो आए तो इसमें हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विद ज़ीरो अगर हम सॉल्व कर लें यानी टू फोर माइनस टू वन और यहाँ पर ज़ीरो माइनस टू माइनस फाइव सेवन एंड थ्री ज़ीरो थ्री सेवन माइनस एट एंड सिक्स एंड ज़ीरो इस पर अगर हम ये रो ऑपरेशन लगाकर इसको हम इक्लन फॉर्म में बनाएं तो हमारे पास आ जाता है वन ज़ीरो नाइन ज़ीरो 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 वन माइनस फाइव ज़ीरो 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 वन एंड ज़ीरो जो हमने रो ऑपरेशंस लगाए हैं अब यहाँ से देखें तो हमारे पास आ रहे हैं वैल्यू एक्स वन इज़ इक्वल नाइन एक्स थ्री एंड एक्स टू जो है माइनस साइन आ जाएगा इसके साथ माइनस नाइन इज़ इक्ल फाइव एक्स थ्री अब एक्स थ्री जो है वो हमारे पास फ्री है एक्स थ्री इज़ फ्री यानि यहाँ पर ये एक्स वन एक्स टू ये एक्स थ्री है तो एक्स थ्री इज़ फ्री है और अब यहाँ पर हम यानी लेट कर लें कि लेट x3 थ्री इज़ इक्वल लेट से आ, अगर हम t ले लें ले या वन ले लें तो इसी हिसाब से हमारे पास x2 आ जाता है 5t टी एंड एक्स आ जाता है माइनस नाइन टी तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो आ जाएगा x थ्री की यानि एक्स वन आता है माइनस नाइन एक्स टू बनता है फाइव एक्स थ्री बनता है वन और एक्स फोर बन जाता है एक्स फोर इज इक्वल टू ज़ीरो था यानी एक्स फोर आ जाता है ज़ीरो तो ये जो इस मैट्रिक्स को अगर हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो है वो ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा यानी ये मैट्रिक्स जो है वो नल नल ऑफ ए को बिलोंग करता है या कह लें उसका मेंबर है अब यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स यू दिया हुआ है और वी uh, वेक्टर दिया हुआ है और कहा है कि इफ यू इज इन नल ए नल ए के लिए हमने ए यू करना है अगर तो आंसर जीरो जीरो आ गया इट मीन्स वो नल ए को बिलोंग करता है सो टू फोर माइनस टू वन माइनस टू माइनस फाइव सेवन थ्री थ्री सेवन माइनस एट एंड सिक्स इसको हम यू के साथ मल्टीप्लाई करें देन थ्री माइनस टू माइनस वन एंड ज़ीरो तो रिज़ल्ट आ रहा है इस तरह हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन जो करनी है थ्री टू ज़ार सिक्स माइनस एट टू वन ज़ार टू and 0 zetra minus 6 10 are seven, seven and 0 9 14 plus eight plus zero then this is equal 0 minus three and थ्री बन रहा है इज नॉट इक्वल टू जीरो 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 चूंकि ये यू के साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट जो है वो जीरो जीरो नहीं आया इसलिए यू इज नॉट इन नल ए अगर यहाँ पर जीरो जीरो आ जाता तो फिर हमारे पास ये जो यू था वो नल ए का मेंबर था अब यहाँ पर है कि कुड यू बी इन कॉलम ए यू के हमारे पास एक दो तीन और एक चार चार एंट्रीज हैं जबकि ए के कॉलम्स में एक दो और तीन एंट्रीज हैं तो यू को ए का मेंबर हो कॉलम ए का मेंबर होने के लिए तीन ही एंट्रीज चाहिए थी इसलिए जबकि यहाँ पर चार हैं और उसके कॉलम्स में तीन एंट्रीज हैं तो यू ना तो नल ए को बिलोंग करता है और यू हैज फोर एंट्रीज सो यू इज नॉट इन कॉलम ए तो यू जो है वो कॉलम ए को भी बिलोंग नहीं करता अब इसी तरह अब इसका हम बी पार्ट करें बी पार्ट में है डिटर्मिनिफ वी इज इन कॉलम ए अब और आ, आ, जो है वी जो है वो कॉलम ए में बिलोंग अब यहाँ पर देखें ऑब्वियसली अगर हम देखें तो वी के मेंबर्स जो हैं वो एक दो तीन हैं तीन एंट्रीज हैं तो इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी है कि वी जो है वो ए के कॉलम में शामिल हो और आ, दूसरा ये कि पॉसिबिलिटी है लेकिन कंफर्म अभी नहीं है तो कन्फर्म कह रहे हैं येलिए हम ए वी को इनका सोलूशन अगर रो ऑपरेशन लगाएं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करें सो टू फोर माइनस टू वन एंड थ्री आ जाएगा माइनस टू माइनस फाइव सेवन थ्री एंड माइनस वन और थ्री सेवन माइनस एट सिक्स एंड थ्री आ रहा है अब इसको अगर हम इक्लन फॉर्म में रो ऑपरेशन लगा कर एकलन फॉर्म में बनाएँ तो हमारे पास आ जाता है टू फोर माइनस टू वन एंड थ्री ज़ीरो वन फाइव माइनस फोर माइनस टू एंड ज़ीरो 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 सेवनटीन एंड वन। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ लास्ट में यानी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर तो सेवेंटीन एक्स फोर इज इक्वल वन बन रहा है यानी सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट v इज इन कॉलम ए तो अगर ये इनकंसिस्टेंट होता है यानी लेट से यहाँ पर अगर फर्ज करें जीरो हो रहा है तो और ये वन है तो वन तो चूंकि जीरो के इक्वल नहीं है यानी यहाँ पर भी जीरो 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 और अगर लेट सेवनटीन की जगह पर भी ज़ीरो है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये ज़ीरो एक्स फ़ोर इज़ एकल टू वन हो तो ऐसे सूरत में जो सोल्यूशन था वो इनकंसिस्टेंट था लेकिन चूंकि यहाँ पर सेवनटीन आ रहा है सेवनटीन एक्स फोर इज एकल टू वन यानी तमाम जितने भी इसमें वेरिएबल्स हैं उनका सोल्यूशन पॉसिबल है इसलिए ये जो है वो सोल्यूशन कंसिस्टेंट है तो ए जो है वो वॉल्यूम ए कॉलम ए में है अब हमने चेक करना है कि कोड बी इन नल ए अब चूंकि नल ए के लिए नल ए की क्या है कि हमने इसको एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है जब आंसर जो है वो जीरो जीरो आए तो चूंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर जो है वो फोर एंट्रीज होती क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो चार कॉलम है तो तभी पॉसिबल था जब चार रोग वाला वेक्टर हो तो चूंकि यहाँ पर ये थ्री जो है तो थ्री में सिर्फ थ्री एल, आ, एंट्रीज है, हैं वी इज नॉट इन नल ए वो पॉसिबल ही नहीं है अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लें ताकि नल और कॉलम ऑफ़ मैट्रिक्स uh, के ऊपर जरा थोड़ी कमांड हो जाए अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है <coughs> कि डिटर्मिन इफ एक हमारे पास डब्ल्यू uh, वैक्टर है इज इन नल ए वीयर जबकि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इट मीन्स कि हम ए और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे अगर रिजल्ट जीरो जीरो आ गया तो देन डब्ल्यू इज अ अम्बर ऑफ नल एट सी ए डब्ल्यू थ्री सिक्स माइनस एट माइनस फाइव माइनस टू फोर माइनस थ्री ज़ीरो वन इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें वन थ्री माइनस फोर से देन वी हैव थ्री वन ज़ार थ्री माइनस फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व सिक्स वन ज़ार सिक्स माइनस थ्री टू ज़ार सिक्स ज़ीरो एंड माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस फोर सो वी हैव फाइनली जीरो 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 इस जीरो जीरो का मतलब है W इज इन नल ए W जो है वो नल ए का मेंबर है अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंड एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन ऑफ नल ए बाय लिस्टिंग वेक्टर्स दैट पैन द नल स्पेस यानी अब ये मैट्रिक्स ए है हमने वो वैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको हम ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नल ए में के मेंबर्स बने यानी तो हम इसके लिए इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विद ज़ीरो जीरो सॉल्व कर लें सो वन टू फोर ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो वन थ्री माइनस टू एंड ज़ीरो इसको सोल्व करने का मेथड यही है कि हमने इसको इक्लेट फॉर्म में बनाना है तो इक्हन फॉर्म के लिए यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कि रो वन माइनस रो टू तो इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई कर लें सो जब इसको हम यहाँ पर माइनस टू आर टू करेंगे रो टू को टू से मल्टीप्लाई करें देन वी हैव वन ज़ीरो माइनस टू फोर एंड ज़ीरो ज़ीरो वन थ्री माइनस टू एंड ज़ीरो आ गया अब इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक्स वन माइनस टू एक्स थ्री प्लस फोर एक्स फोर इक्वल ज़ीरो और इसके अलावा एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री माइनस टू एक्स फोर इज इक्वल जीरो एक पॉइंट और मैं बताऊं कि यहाँ पर पिवट एलिमेंट सिर्फ दो हैं पिवट कॉलम के मेम्बर सिर्फ दो हैं वन वन एंड वन यानी एक्स वन एंड एक्स टू इसका मतलब है एक्स थ्री एंड एक्स फोर आर फ्री एक्स थ्री एंड एक्स फोर जो हैं आर फ्री एलिमेंट्स हैं यानी लेट कर लें एक्स थ्री जो है वो एस है और एक्स फ़ोर जो है वो टी है देन हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है एक्स वन की अगर हम वैल्यू निकालें तो दैट इज़ टू एस माइनस फोर टी एक्स टू की निकालें तो वी हैव माइनस थ्री एस प्लस टू टी एक्स थ्री एस आर है और एक्स फोर जो है वो टी है तो इनको हम स्प्लिट कर लें देन वी हैव टू माइनस थ्री एस वन और यहाँ ज़ीरो आ गया ये एस की वैल्यूज़ हैं प्लस टी की बनती हैं माइनस फोर टू ज़ीरो एंड वन तो हमारे पास यहाँ यानि इसका मतलब है जो आ, नल ए के मेंबर्स हैं वो हैं टू माइनस थ्री वन एंड जीरो और माइनस फोर टू जीरो एंड वन यानी इन मैट्रिसेस के साथ अगर हम एक को मल्टीप्लाई करें दो फाइनली वी हैव ज़ीरो 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 अब यहाँ पर हमने कहा गया है कि फाइंड ए सच डेट द गिवन सेट इज़ कॉलम ए कॉलम ए यानी ए के कॉलम्स इस टाइप के हैं तो हमने ए कॉलम बताना है तो यहाँ पर हम इसको जब अलग अलग कर लें देन वी हैव यानि एस वाले सेपरेट कर लें सो टू एस माइनस एस एस माइनस एस प्लस टी के अब सेपरेट कर लें टी टू टी ज़ीरो माइनस टी प्लस आर ज़ीरो आर थ्री आर एंड टू आर तो हमारे पास एस या जगह टू माइनस वन वन माइनस वन प्लस टी वन टू ज़ीरो माइनस वन एंड आर सो ज़ीरो वन थ्री एंड टू तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स बन जाता है उसके कॉलम आते हैं टू माइनस वन वन माइनस वन वन टू जीरो माइनस वन जीरो वन थ्री एंड टू अब ये हमारे पास क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिसेस फाइंड के such that नल ए इज अ सब स्पेस ऑफ आर के एंड फाइंड के column A कॉलम ए इज अ सब स्पेस ऑफ आर के अब ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ऐसे केस में हम यानी जो हमने वो तादाद बतानी है डायमेंशन बतानी है कि जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो है वो जीरो जीरो आए अब इसकी जो मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है एक दो तीन और एक चार फोर रोज हैं एंड टू कॉलम्स है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल उसी आ, वेक्टर की है आ, जिसके दो जो हैं वो रोज हों ठीक है तो इसका मतलब है नल ए के लिए हमारे पास के की वैल्यू जो है वो टू होगी और इस केस में फॉर नल ए और के हमने बताना है कॉलम ए के लिहाज से तो कॉलम्स की तादाद इसमें एंट्रीज कितनी है एक दो तीन और एक चार फोर के इज इक्वल फोर फोर कॉलम ए तो यानी फोर वो आ, 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 आर फोर डायमेंशन होगा कॉलम्स के लिए और आर टू डायमेंशन होगी नल्क के लिए इसी तरह इस केस में हमारे पास जो है ये के की वैल्यू जो है हम यहाँ पर पूरी इसकी तादाद जो है टू रोज हैं एंड वन टू थ्री फोर फाइव तो इसमें जो है वो फाइव कॉलम्स है तो नल के लिए जो है फॉर नल ए कितने हम उसके साथ मल्टीप्लाई uh, करेंगे के इज़ इक्वल फाइव और uh, जो है फोर uh, कॉलम ए कॉलम ए में के जो है इसके टू एंट्रीज हैं के इज इक्वल टू